स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में इन दिनों टीआरपी में पिछड़ गया है। शो में बच्चे के लिए सही और पाकी में जबरदस्त झगड़ा चल रहा है। सैरोगेसी ट्रैक के बाद से दर्शकों को इस शो के ट्विस्ट में खास पसंद नहीं आ रहे हैं, इसलिए शो में जल्द ही 10 साल का लीप दिखाया जाएगा। फिलहाल शो के लेटेस्ट एपिसोड में खतरनाक ट्विस्ट आने वाला है। आयशा सिंह, नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा स्टारर गुम है किसी के प्यार में आगे सही को एक गंभीर हादसा का शिकार होते दिखाया जाएगा। इन दिनों गुम है किसी के प्यार में दिखाया जा रहा है कि सही पाखी को सैरोगेसी कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी और बच्चे के लिए लापरवाही वाले मामले में जेल भेज देती है। इस बात से सही से पूरा परिवार नाराज है, खास तौर पर काकू सही के खिलाफ है, इसलिए सही को चवन हाउस में किसी से प्यार नहीं मिल रहा है। इसी बीच शो में एक खतरनाक मोड़ आने वाला है। गुम है किसी के प्यार में आगे दिखाया जाएगा कि परिवार वाले सही पर नाराज है कि इस बात से परेशान होकर सही घर छोड़कर चली जाती है। वो अपने बेटे विनायक को भी अपने साथ ले जाती है। घर पर जब लोग सही को ढूंढने लगते हैं तो वो वहाँ नहीं मिलती। अश्विनी बताती है कि उसे सही कहीं नहीं मिल रही है और बच्चा भी गायब है। इस बात से विराट भी घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद विराट के पास पुलिस स्टेशन से फोन आता है, जिसमें उस बस के एक्सीडेंट होने की खबर मिलती है, जिससे सही गई होती है। सही के लिए विराट खूब परेशान हो जाता है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग ट्रैक में बताया जाएगा कि सही की बॉडी चवन परिवार को कहीं नहीं मिलेगी, जिससे उन्हें लगेगा कि सही अब नहीं रही। ऐसे में पूरा परिवार विराट पर पाखी से शादी करने का दबाव बनाएगा। विराट पाखी से मजबूरी में शादी कर लेगा। इस तरह शो में सही कई साल बाद जब लौटेगी तो विराट अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होगा। अब देखना ये है कि गुम है किसी के प्यार में शो में दर्शकों को लीप राउंड पसंद आता है या नहीं। आगे विराट के दो बच्चों की कहानी चलने वाली है, इसका प्रोमो में जारी कर दिया गया है।